आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे मॉड और माइनक्राफ्ट को कन्वर्ट कर देंगे माइनक्राफ्ट इंडिया में। तो करना हाँ कर रहा हूँ भाई, वीडियो तो देख ले पूरा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ धासू और ऐसे खतरनाक मॉड जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को माइनक्राफ्ट इंडिया में चेंज कर देते हैं। अब यार 1.19 में तो बहुत ज्यादा लैग होने वाला था, इसलिए मैंने कुछ ऐसे मॉड चूज किए हैं जो कि लैग नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे मॉड लिए थे लेकिन भाई वो बहुत लैग कर रहे थे, बट ये जितने भी मॉड होने वाले काफी ज्यादा मस्त होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें चार मॉड लिए इसका मतलब चार में से चारों गंदे होंगे, भाई बहुत ज्यादा मस्त है। मतलब तुम लोग एक बार इमेजिन करो कोई विलेजर है वो हिंदी में बात करेगा तुमसे और मीम स्टाइल में बात करेगा तो भाई कैसा लगेगा। बट उससे पहले अगर माइनक्राफ्ट रिलेटेड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन रिलेटेड इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो यार, नीचे जाओ जो सब्सक्राइब का बटन है उसी को दबाना, और हाँ अगर देखना तभी दबाना, बेमतलब में मत दबाना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अबे बिल्लू सो गया क्या यार, भाई बीच में ट्रांजिशन लगा ना, एडिटिंग ही नहीं करता तू ढंग से। सुन मैं छपरी यूट्यूबर ब्री में इतना ही मिल पाएगा, इतना ये तो खुद लगा ले। हाँ तेको तो मैंने देखने के लिए लगाना, मेरे को ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है आपको इसे लगाना कैसे है। इस पे जो यूआई का क्रेडिट जाता है वो है विजागोपी को, एंड दो मॉड का जाता है उनका नाम है माइनर क्राफ्ट। आप लोग को पैक को इम्पोर्ट करने के बाद जाना है अपने ग्लोबल रिसोर्सेस में, और ध्यान रहे आप लोग को सबसे पहले ओरिजिनल रिसोर्सेस ये लगाना है। एंड आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ चेंज हो गया है, और ये चेंज होने के बाद क्या मस्त दिख रहा है यार। ये वाला यूआई तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर आप लोग को माइनक्राफ्ट इंडिया देख के दिख जाता है जो कि काफी मस्त दिख रहा है। अगर आप लोगों को आता नहीं है कि कैसे लगाना है तो मैं एंड में बताऊंगा, और उसके बाद तुम लोग को यहां पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है, और क्रिएट न्यू वर्ल्ड करने के बाद यही वाली स्टेप को एकदम ध्यान से देखो। यहां पर आप लोगों को जाना रिसोर्सेस पैक में, और यहां पर जितने भी दिख रहे हैं ना मॉड ये सब चीज को लगाना है। ध्यान रहे जो बड़ा वाला मॉड है उसको हमेशा सबसे ऊपर रखना, क्योंकि ऐसे में ये वर्क करते नहीं तो कई बार वर्क ही नहीं करते यार। एंड देन जाना बिहेवियर पैक में, और बिहेवियर पैक में भी आप लोगों को ये सब लगा देना है और बड़े वाले को ऊपर रखना। उसके बाद जाना गेम्स में, और यहां पर जितने भी एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं ये पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑन कर देना, और एक्सपेरिमेंट ऑन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, बाकी कुछ नहीं करना, क्रिएट कर देना। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का मॉड निकल के आता है इस पे आप लोग को पूरे इंडियन फूड देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा मस्त है यार। मतलब आप लोग सोचो यार यहाँ पर समोसा तक मिलेगा तुम लोग को, और ये भाई को देखने के लिए नहीं है, इस पे इफेक्ट भी मिलते खतरनाक वाले। अबे राजधानी सूजी कौन बेचता है। एंड यार ये तो देखो क्रिएटिव में ही मेरे को इफेक्ट मिलने लग जाएंगे, ये देखो भाई मैंने क्रिएटिव में मेरे को इफेक्ट मिल गए। एंड ये इफेक्ट बहुत मस्त मस्त मिलते हैं भाई, ऐसे वैसे इफेक्ट नहीं, एकदम मस्त इफेक्ट है। और ये सब चीज आप लोग सर्वाइवल में या फिर क्रिएटिव में दोनों में ले सकते हैं। आप लोग को इनकी रेसिपी मिल जाएगी मेरी वेबसाइट में। अरे मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पर कौन सी पाव भाजी बनाने का भाई, अमूल बटर। अच्छा व्लॉगर्स लोग अगर वीडियो बनाएंगे माइनक्राफ्ट में तो ये यूज करेंगे ना, ये देखो भाई अमूल बटर तक है लिटरली। अबे पैकेट तो खोल ले फिर खा लेना। अब जो मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था कि यार अगर विलेजर तुम लोग को मीम स्टाइल में बात करेंगे तो कैसा लगेगा, तो ये वाला मॉड उसी से रिलेटेड है। अगर तुम लोग कोई भी विलेजर के पास जाओगे तो वो हिंदी में बात करेगा, और क्या ही चाहिए भाई। यहाँ पर विलेजर कहाँ है वैसे, 25 दिन में पैसा मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। तो देखा ना आप लोगों ने किस टाइप से बात करते हैं इस पे विलेजर, और यार बहुत फनी लगता है। और भाई ये देखो यार ये मेरा मुंह देख रहा है, और ये मेरे को भाई, और ना तुम लोगों को मालूम है तुम लोग इस पे ट्रेड करोगे तो ये अलग आवाज निकालेंगे, जैसे 150 रुपया देगा, ये सब चीजें भाई। अब इंडिया की बात हो रही है और इंडिया के ट्रेडिशन को ही हम भूल जाते हो यार, ये तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इंट्रोड्यूसिंग माइनक्राफ्ट में भगवान वाले मॉड जो कि काफी ज्यादा मस्त है यार। मतलब कि एक बार तुम लोग ये देखो क्या मस्त बनाया यार किसी क्रिएटर ने, कितना क्रिएटिव माइंड होगा उनका। और आप लोग को यहाँ पर हर एक भगवान मिल जाते हैं यार। ये स्वराज भगवा देखो क्या मस्त दिख रहा है यार, मेरे को तो भाई सलाम ठोक रहा हूँ मैं इस चीज को। इस वाले मॉड की खास बात ये है कि इसकी डिटेलिंग देखो यार, मतलब कि हर भगवान की डिटेलिंग देख रहे हो तुम लोग कितनी ज्यादा मस्त है। ये मॉड मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉड बन गया, ये देखो यार मतलब कि मस्त दिख रही है लक्ष्मी माता और ये विष्णु भगवान, मेरे को तो यार बहुत मस्त दिख रहा है ये मॉड में, ऐसा लग रहा है ना इसी में खेलते रहूं मैं। अरे अब तो गणेश चतुर्थी भी आने वाली है ना भाई, मजा आएगा यार। ये देखो गणेश जी भी है इसमें। भगवान प्लीज सबको बोलना सब्सक्राइब करेंगे, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, और मेरी रीच बढ़ा दो ना भगवान प्लीज। भगवान हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो फोर्थ नंबर का मॉड है उसको चलाने के बाद तुम लोग कबीर सिंह बन जाओगे। इसमें आप लोगों को यामा की चार बाइक मिल जाती हैं, और चारों की चारों भाई ऐसा लग रहा है बुलेट होगी, और ये चलाने के बाद तुम देखो ऐसे दिखोगे। इन बाइक्स को आराम से इन्वेंट्री में ले सकते हो, ज्यादा कोई झोल झबार है नहीं। वी ऑल नो कि इंडिया में ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो यही चीजें कुछ में से आपके पीछे आपके आगे रही। सबसे पहले आती है ये कार, ये कार तो भाई काफी खतरनाक दिख रही है। कार क्या हाहाकार है भाई ये, इसके अबे अंदर से भाई कोई ठुकी जाएगा ऐसे में तो। ई रिक्शा को कैसे भूल सकते हैं बाबा, 10-10 रुपए में इसी से तो ट्रैवल करते हैं। ये ई रिक्शा भी काफी ज्यादा मस्त है और स्पीड बहुत ज्यादा है। अवर वन एंड ओनली फेवरेट लगेज कार जिसको ठेला भी बोलते हैं। एंड तुम लोग को पता है क्या, यूट्यूब की पेमेंट नहीं आती तो मैं इसी में लगेज सवार करके देता हूँ लोगों को। एंड यार ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक बना दिया भाई किसी ने, ये काफी ज्यादा मस्त है। वैसे तुम लोग इस पर लगेज नहीं रख सकते लेकिन हाँ बहुत मस्त है। इस गाड़ी को लगता है तैरना ही है भाई,
भाई, और आगे ये बोट खड़ी है, ये बोट भी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन यार ये हर बार डूब क्यों जा रही है मेरे साथ। और ये सब चीज भी तुम लोग इन्वेंटरी से ले सकते हो काफी आराम से। तो अब बात आती है कि इसको गेम में इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं बताऊंगा फाइल मैनेजर से, क्योंकि जेड अचीवर से लगभग सबको आता है और जिनको नहीं आता उनका वर्क ही नहीं करता। तो जोक्स अपार्ट, सबसे पहले तुम लोग को फाइल को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ओपन करना है अपना फाइल मैनेजर, और वो वाली लोकेशन पे जाना है जहां पर भी डाउनलोड होती है। एंड वहां पर जाने के बाद आप लोग को ये फाइल से मिल जाएंगी जो भी तुम लोग ने डाउनलोड कर रखी है। अब ये MC पैक वाली है तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है और ऐसे सिंपली ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहां पर आप लोग को क्लिक करके डॉक्यूमेंट में क्लिक करके माइनक्राफ्ट में क्लिक कर दें। ये जितने भी मॉड है अगर इसको एक साथ लगा के खेलोगे तो बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही यार अगर मुझे फ्यूचर में और मॉड मिलते तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 1.1 के लाइक का, अगर इसमें हो जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके बता देना ताकि उनको भी अच्छी चीज मिल सके ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेरा भारत महान। बाय बाय।